सेक्स करने के समय वीर्य जल्दी निकल जाता है, या मुझे सेक्स टाइम बढ़ाने का है इसलिए काफी लोग हमें कांटेक्ट करते, सलाह लेते हैं। तो आइए उसके बारे में और विस्तृत में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई और अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। जब हमको लोग कॉन्टैक्ट करते रहते हैं और पूछते रहते हैं कि हमको सेक्स टाइम बढ़ाने का है या वीर्य जल्दी निकल जाता है उसके लिए मैं क्या करूं, तो पहले ये जानकारी लेना जरूरी है कि वीर्य जल्दी निकल जाता है तो कितने समय तक वीर्य नहीं निकलना चाहिए या कितने समय तक सेक्स एक्टिविटी चलनी चाहिए। तो एक्चुअली लिंगा योनि में प्रवेश होने के बाद इंसर्शन जब होता है, एक्चुअली जब इंसर्शन होकर सेक्स होता है तो वो टाइम जो है वो दो मिनट से लेकर 5 मिनट तक चलता है अप्रॉक्सीमेटली। किसका थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है मगर कम हुआ तो प्रॉब्लम है। तो फिर यदि 4-5 मिनट का एवरेज टाइम है इंसर्शन होने के बाद में वीर्य स्खलन होने तक, क्योंकि एक बार वीर्य स्खलन हो गया, वीर्य निकल गया, तो फिर लिंग की कठोरता कम हो जाती है नेचुरली, वो छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है और बाहर निकल आता है, तो फिर उस समय सेक्स खत्म हो जाता है। अब लोगों को यह है कि नहीं भाई, मेरा तो आधा घंटा चलना चाहिए, 1 घंटा चलना चाहिए, मेरा जल्दी निकल जाता है, पत्नी खुश नहीं होती, तो फिर ये कैसा? तो ये जानकारी लोगों को मिलती है ब्लू फिल्म से, पोर्नोग्राफी से, पॉर्न वीडियो से, कि भाई वहाँ एक तो लिंग का आकार भी बहुत बड़ा बताते हैं और सेक्स भी आधा आधा 1-1 घंटा चलते हुए बताते हैं, तो वो सत्य नहीं है, रियलिटी नहीं है। फिर नहीं तो दोस्त लोग बोलते हैं कि मैं तो आधा घंटा सेक्स करता हूँ, 1 घंटा सेक्स करता हूँ, तो फिर वहाँ से भी जानकारी मिलती है, लोगों को लगता है कि मेरा जल्दी हो जाता है और मैं मेरे पत्नी को या मेरे पार्टनर को मैं खुश नहीं करता, तो फिर उसके लिए क्या करें? तभी इसमें जानकारी ये लेना जरूरी है कि सेक्स के 3 पार्ट एक्चुअली होते हैं। एक है मेंटल लेवल पर सेक्स होता है, दूसरा है फोर प्ले में, और तीसरा है एक्चुअली इंसर्शन, जब योनि में प्रवेश होता है लिंग का तब। अभी देखो, मेंटल लेवल का सेक्स जो है वो जब पुरुष विचार करता है अपने दिमाग में कि आज मुझे सेक्स करना है, तब से ही चालू हो जाता है। समझो वो नौकरी कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, घर आने के समय या घर आने के लिए निकल गया, रास्ते में कोई विचार आ गया और वहीं से उसने ठहरा लिया कि मुझे सेक्स करना है और सेक्स के विचार आ गए, तो फिर सेक्स उसका मेंटल लेवल पर शुरू हो गया। अब देखिए, वो घर आता है, उसके दिमाग में वही विचार चालू है, वो खाना भी खाता है तो विचार चालू है, मतलब एक्चुअली मेंटल लेवल का सेक्स चालू हो गया है। बाद में खाना भी ना खा के जब पति पत्नी बेड के ऊपर जाते हैं तो उस समय फिर वो फोर प्ले करते हैं। फोर प्ले करने के बाद जब वो एक्चुअली इंसर्शन करता है तो फोर प्ले समझो चलता है 5-10 मिनट 15 मिनट, और बाद में इंसर्शन के बाद में सेक्स खत्म हो जाता है। अब होना क्या चाहिए? जब ये फोर प्ले करता है और जब इंसर्शन करता है, तो इंसर्शन करने के समय मतलब योनि में लिंग का प्रवेश करने के समय उसका पार्ट, उसकी पार्टनर जो है मतलब उसकी पत्नी जो है, उसको सेक्स आना चालू हो जाता है, क्योंकि वो तो मेंटल लेवल पे तैयार नहीं थी, उसके दिमाग में तो नहीं था कि अपने को सेक्स करना है। फोर प्ले भी आपने बहुत कम समय, मतलब काम क्रीड़ा जो रहती है वो एकदम कम समय किया, थोड़ा सा हगिंग वगैरह किया, किसिंग किया और बस योनि का, योनि में प्रवेश कर दिया। मतलब पुरुष का तो काफी समय से दिमाग में चल रहा था, फोर प्ले उसने कर लिया, उसमें भी उसको मजा आ गई। अभी स्त्री का अभी उत्तेजित होना शुरू भी नहीं हुआ, उसके पहले ही उसने लिंग का प्रवेश होने में किया और 2-3, 4-5 मिनट में उसका स्खलन हो गया, तो नेचुरली स्त्री का असमाधानी होना स्वाभाविक है। मतलब हो ही सकता है कि वो स्त्री समाधान नहीं होगी, क्योंकि वो अभी उत्तेजना आ रही है, उसकी चरम सीमा भी पहुंची नहीं है, शुरुआत भी नहीं हुई चरम सीमा की, और तब तक इसका सेक्स खत्म भी हो गया। तो सेक्स टाइम बढ़ाने के लिए पहले ये जरूरी है कि आपका फोर प्ले अच्छा हो। सेक्स टाइम तो 2-4 मिनट रहेगा, पत्नी को सुख देना है तो उसके लिए फोर प्ले में दोनों ने इन्वॉल्व होना जरूरी है, दोनों ने इन्वॉल्व होना जरूरी है। जब दोनों इन्वॉल्व होते हैं, दोनों एक दूसरे को एक्साइट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, दोनों के मतलब दोनों को मेंटली, साइकोलॉजिकली, शारीरिक दिशा जोश आता है, सेक्स करने की इच्छा होती है, तब क्या होता है कि स्त्री का सिक्रेशंस चालू जाते हैं योनि में, और तभी योनि में पुरुष ने अपना लिंग का प्रवेश करना चाहिए, जब वो स्त्री डिमांड करती है कि अभी आप चालू करो। मतलब उस समय जब उस
वो जब डिमांड करते कि अभी आप सेक्स करो, तब यदि योनि में प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, इसका मतलब अभी उसको बहुत एक्साइटमेंट आ गई, अभी वो बोलती कि अभी चालू करो। उस समय यदि सेक्स करते हैं तो 2-4 मिनट में दोनों भी खुश हो जाएंगे, दोनों भी समाधानी हो जाएंगे और दोनों को अच्छा लगेगा। नेचुरली होता क्या है कि अभी स्त्री की चरम अवस्था की शुरुआत भी नहीं हुई, एक्साइटमेंट की शुरुआत भी नहीं हुई, इसने योनि में प्रवेश कर लिया लिंग का और वीर्यस्खलन हो गया और बाजू हो गया और स्त्री असमाधानी है। सेक्स में दोनों का समाधान होने के लिए फिर से मैं दोहराता हूँ, फोरप्ले का होना जरूरी है। और वैसे ही शुरू में आप बातचीत कर रहे हैं, फोरप्ले में हंसी मजाक कर रहे हैं, दिन में क्या हो उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, नो झगड़ा, नो टेंशन, नो तू तू मैं, कुछ भी नहीं है, बातें अच्छी कर रहे हैं और उसके बाद में फोरप्ले कर रहे हैं, एक दूसरे को स्टिमुलेट कर रहे हैं, एक्साइट कर रहे हैं। और वो जब स्त्री बोलती है कि अभी मेरे से रहा नहीं जा रहा है, अब आप सेक्स करो, तब आप एक्चुअली इंसर्शन करते हैं तो फिर दोनों खुश हो जाएंगे। यदि आप अकेले ही आते हैं सेक्स कर लेते हैं तो आपने 4 मिनट नहीं, 5 मिनट नहीं, 7 मिनट भी कर लिया और तब तक यदि स्त्री की एक्साइटमेंट उत्तेजना शुरुआत भी नहीं हुई तो आपने 7 मिनट भी कर लिया तभी स्त्री सुखी होंगी नहीं। और फिर यदि उसको अच्छा लगता नहीं, उसको समाधान नहीं मिला, फिर क्या होता है, चिड़चिड़ापन, फिर सेक्स का इंटरेस्ट उसका कम हो जाता है कि ये आता है निकल जाता है, मुझे तो मजा ही नहीं आती उसको लगता है, वैसे भी तो बच्चे हो गए अभी क्या करना है। तो ऐसे इसमें फिर उसका धीरे 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 इंटरेस्ट कम हो जाता है और उसका इंटरेस्ट कम होते ही फिर उसको पुरुष को होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इसका मतलब अभी नपुंसकत्व या लिंग में कठोरता नहीं आना, क्योंकि उसको लगता है इसको इंटरेस्ट नहीं है, उसका भी इंटरेस्ट निकल जाता है। अभी देखो ये जो है सेक्स टाइम यदि बढ़ाना है तो नंबर एक पहले ये देखना है कि आपको न्यूरोजेनिक लेवल पे, मतलब न्यूरोनल लेवल पे एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है क्या, एक तो वहाँ से हो रही है एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा, और फिर यदि वहाँ हो रही है और वो प्राइमरी लेवल की एक्साइटमेंट है, प्राइमरी लेवल मतलब शुरुआत से जब से वो सेक्स करना चालू किया तब से ही उसको जल्दी स्खलन हो रहा है, इसका मतलब वो वहाँ से शुरुआत हो रही है, ब्रेन पैटर्न मतलब ऐसे बने हुए हैं, न्यूरॉन्स ऐसे एक्साइट हो रहे हैं कि वहाँ से फटाफट फटाफट एक्साइटमेंट आ जाता है, नर्व स्टिमुलेशन आ जाता है और ये इधर गिर जाता है जल्दी। तो उसके लिए SSRI जो ड्रग्स है, मेडिसिन है, वो लेना चाहिए और वो रोज लिए तो भी हरकत नहीं। कभी कभी जब उनको ऐसा होता है कि कभी कभी मतलब पहले शुरू में कुछ साल तक ठीक हुआ और बाद में अभी हो रहा है तो फिर क्या है, उसके लिए फिर एक तो लोकल एनेस्थेटिक लगाओ, लोकल जेल एनेस्थेटिक जेल्स उपलब्ध है बाजार में तो वो लगाओ, या फिर कंडोम पहन के किया तभी चलता है। कंडोम अभी आजकल ऐसे आते कि जिसमें कोई दवा या स्प्रे डाला हुआ है जिसके वजह से लिंग के ऊपर एनेस्थेशिया तैयार हो जाता है, सेंसेशन कम हो जाता है और आपका सेक्स काफी समय तक चल सकता है। अभी होता क्या है कि कभी कभी हम उनको इरेक्शन बढ़ाने के लिए, मेंटेन करने के लिए दवा देते हैं, उससे भी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व हो जाता है। दूसरा और क्या है कि समझो लोग बोलते हैं कि मास्टरबेशन करने के समय, हस्तमैथुन के समय जल्दी निकल जाता है। अब देखो हस्तमैथुन में तो आपका मेंटल कुछ नहीं है कि भाई घंटे 2 घंटे से सोच रहे, अच्छा फोरप्ले भी नहीं है, मतलब ये दोनों जो पहली अवस्था जो है मेंटल एक्साइटमेंट फिर फोरप्ले और इंसर्शन, ये तीनों के बदले सिर्फ इंसर्शन ही होता है, मतलब हस्तमैथुन ही होता है। और वो जो समय है वो लोगों को लगता है कि मेरा 2 मिनट में 3 मिनट में निकल गया और मेरा शीघ्रपतन हो रहा है करके लोग हमारे पास में आते हैं। अच्छा नाइटफॉल जब होता है तो उसमें तो मालूम ही नहीं पड़ता, उसमें तो सिर्फ मेंटल लेवल पे सेक्स हो रहा है तो उसमें भी मालूम नहीं पड़ता कि और जल्दी कब हो गया, और लोग बोलते नहीं मेरा जल्दी हो जाता है और लोग आते हैं। तो हस्तमैथुन में जल्दी होने का कोई कारण नहीं, वो तो एक इलिटरेसी है। नाइटफॉल में भी कोई नहीं है क्योंकि नाइटफॉल मालूम ही नहीं पड़ता। एक्चुअली जो है वो देखना है कि स्त्री और पुरुष का दोनों का समाधान यदि होता है तो वो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन नहीं है या शीघ्रपतन नहीं है। तो आपका सेक्स टाइम यदि बढ़ाने का है तो सेक्स टाइम बढ़ाने की एक्चुअली जरूरत नहीं है, 3 मिनट से या 2 मिनट से कम उधर 5-6 मिनट तक यदि आपका ये सेक्स हो रहा है तो ये नॉर्मल है, उससे यदि कम हो रहा है तो फिर आपको कुछ ना कुछ कुछ मेडिसिन लेना पड़ेगा, कुछ एनेस्थेटिक मेडिसिन लेना पड़ेगा, मतलब लोकल लगाना पड़ेगा, कुछ कंडोम्स का वापर कर रहे, कुछ ब्रेन को थोड़ा एक्साइटमेंट कम करने की दवा लेनी पड़ेगी, या फिर मैंने पहले कुछ वीडियो में बताया है कि भाई स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक है, फिर स्क्वीज टेक्निक है, फिर केजल्स एक्सरसाइज है, ऐसे अलग 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 तरीके अपनाने पड़ेंगे, या फीमेल सुपीरियर पोजीशन है, ऐसे तरीके अलग अलग है कि जिसके वजह से फिर आपका जो
6 टाइम है वो बढ़ सकता है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, ताकि लोगों के दिमाग में जो जल्दी स्खलन होने वाले जो मतलब इलिटरेसी है या गैर समझ है वो निकल जाएंगे और काफ़ी सारे लोग अपना सेक्स एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि लोग एंजॉय नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ द गलत फहमियाँ, कि गलत फहमी है कि भाई जल्दी निकल जाता है। तो जरूर वीडियो सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।